नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। पीएम मोदी ने लंदन में राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग लंदन में भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये भारत की महान परंपरा का अपमान है। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग लंदन में भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये भारत की महान परंपरा का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा है कि आपकी नीतियों की आलोचना देश की आलोचना कब से हो गई है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र पर हमला प्रधानमंत्री करते हैं और इसलिए इस पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना लंदन में की गई भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने संबंधित कांग्रेस नेता की टिप्पणी का जिक्र करते हुए इसे 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवेश्वर कर्नाटक के लोगों और भारत के महान परंपराओं और यहाँ के नागरिकों का अपमान बताया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम बलात्कार और हत्या का सजायाफ्ता है और पैरोल पर करीब 40 दिनों से बाहर है और अपने आश्रम में ऐश कर रहा था और राम रहीम ने जेल से रिहाई के बाद ही 40 दिनों तक खूब मौज काटी है। बलात्कारों बाबा ने यहाँ तक कि हर वो काम किया जो उसका दिल चाहता था, लेकिन अब पैरोल खत्म होते ही राम रहीम की मौज मस्ती का दी एंड हो गया है। अदालत भी जिस राम रहीम को बलात्कारी और हत्या आरोपी मान चुकी है और इसके संगीन गुनाहों की कहानी दुनिया के सामने आ चुकी है और जो रेप और मर्डर के जुर्म में सजा भुगत रहा है और पैरोल से बाहर आते ही उसने म्यूजिक एल्बम बनाया और गाने की शूटिंग की है, ऑनलाइन दरबार सजाकर बड़े बड़े नेताओं आशीर्वाद भी दिया है और राम रहीम के 40 दिन की छुट्टियों के दौरान शायद ही कोई दिन ऐसा बीता होगा जब रेपिस्ट राम रहीम का कोई ना कोई नया वीडियो सामने ना आया हो। कभी वो अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के साथ जश्न मनाते हुए कैमरे के सामने मौज दे रहे हैं, पोज दे रहे हैं, तो कभी नए नए गाने और अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर रहे हैं और इसी में एक वीडियो कुछ दिनों पहले खूब चर्चा में भी रहा था और राम रहीम ये वीडियो में मस्ती भरे अंदाज में गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि गाने गाते नजर ये आए और बुधवार की रात तैयार किए गए इस वीडियो में ही राम रहीम के साथ उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी नजर आई है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। केरल के ही कन्नूर जिले में एक घर में बम विस्फोट हो गया है और पुलिस अधिकारियों ने रविवार को कहा कि विस्फोट में 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम कन्नूर जिले के ही ककयागढ़ में मौजूद मुजाकुंड पुलिस थाना क्षेत्र की है और इसके अलावा पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद ही किसी तरह की पुष्टि की जा सकती है। जानकारी के अनुसार विस्फोट में संतोष और उनकी पत्नी लसीता घायल हो गई हैं जिन्हें कन्नूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर इकट्ठा कर रही है सबूत और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि डॉग स्क्वाड ने भी मौके का मुआयना किया है और इससे पहले केरल के एक पटाखा फैक्ट्री में आग विस्फोट के बाद आग लग गई थी और जिसमें एक शख्स की भी मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। मामला आपको बता दें कि एर्नाकुलम जिले के वरपूछा का था जहां पर धमाका इतना जबरदस्त था कि पास के घरों में खिड़की के शीशे तक टूट गए थे और इसके कारण बच्चे भी घायल हुए थे और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस घर में पटाखा यूनिट भी
थी और वो पूरी तरह से टूट गई थी और इसके अलावा आसपास के पेड़ भी जल गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने का काम किया था। तो केरल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कन्नूर में घर में ही बम फटा है, ऐसी जानकारी सामने आई है जिसमें पति और पत्नी दोनों घायल बताए जा रहे हैं। तो पूरा मामला जो है, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रविवार की घटना है, कन्नूर जिले के ही ककयागढ़ में मौजूद मुजागुन पुलिस थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि घटना स्थल के ही निरीक्षण के बाद किसी भी तरह की पुष्टि की जा सकती है। और जानकारी के अनुसार ये भी जानकारी बताई जा रही है कि विस्फोट में संतोष और उनकी पत्नी लसिता घायल हो गई हैं, जिन्हें कन्नूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और पुलिस ने मामला विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। और पुलिस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि डॉग स्क्वाड ने भी मौके का मुआयना कर लिया है। और इससे पहले केरल की एक पटाखा फैक्ट्री में आग विस्फोट के बाद आग लगी थी और जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। ये जानकारी हम आपको पहले की दे रहे हैं जब ये घटना घटित हुई थी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बिजनौर के मंडावली हरिद्वार रोड पर एक डीसीएम और रोडवेज बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं हादसे में ही डीसीएम चालक भी बुरी तरह से घायल हो गया है। उधर राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बता दें आपको कि हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिसको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवा दिया है। हाईवे सुचारू रूप से चालू कर दिया गया था। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, ये गाड़ी कहां से आ रही थी आपकी? ये सीतापुर। कहां जा रहे थे? ये देहरादून। अच्छा, कैसे हुई घटना? ये घटना साहब हुई ऐसे, हम उस जगह तो खड़ी कर लिए और ये साहब इधर से चले आ रहे। अब हम जाए तो कहां जाए, हम काट लेते इधर, ये नहीं होता तो इधर काट देते। कानपुर से खबर है जहां हेल्थ हॉस्पिटल के वार्डों के औचक निरीक्षण में आधा दर्जन स्कारपाइरी इंजेक्शन मिलने से उस पर हड़कंप मचा हुआ है। और जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने स्टाफ नर्स और हेल्थ के कर्मियों के साथ स्पष्टीकरण मांगा तो साथ ही मामले की जांच शुरू करा दी गई। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला औचक निरीक्षण के लिए वार्डों में पहुंचे और जहां पर ड्यूटी के दौरान ही डॉक्टर मौजूद है कि नहीं ये चेक किया गया और रजिस्टर को भी चेक किया गया है, जिसमें हेल्थ कर्मियों की एंट्री होती है और उसके बाद उन्हें दवाई स्टॉक भी चेक किया जाता है कि मरीजों को क्या क्या दवाइयां मिल रही हैं। लेकिन वार्ड में ही स्कारपाइर इंजेक्शन को लेकर मिलने पर नाराज हो गए और डॉक्टर संजय काला ने स्टाफ नर्स, दवा स्टोर कीपर और उन कर्मियों को फटकार लगाई है जो उस वक्त ड्यूटी पर थे। डॉक्टर संजय काला ने बताया है कि सभी के से स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ ही जाँच कराई जा रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक्सपायरी इंजेक्शन लगाए जाने की शिकायत के बाद आपने कल इंस्पेक्शन किया, किस क्या क्या देखा वहाँ पर और क्या हिदायत नहीं? देखिए, कल सुबह 9:45 बजे मैंने समस्त मेडिसिन के, सर्जरी के और वार्ड इंचार्जेस, ऑर्थोपेडिक्स, सबके मैंने लोग बुला लिए थे और हमने एक औचक, बिना किसी को सूचित किए, औचक निरीक्षण किया, छापे मारे विभिन्न वार्डों में, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और ऑर्थोपेडिक्स में तीन टीमें बना करके। तो एक बार में ही हमने देखा कि वहाँ पे वार्डिंग में व्यवस्थाएँ कैसी, खाली दवाई से रिलेटेड नहीं कि मरीजों से संबंधित सुविधाएँ, ड्रग अवेलेबिलिटी, रजिस्टर में एंट्री कैसी है, फाइलें पूरी हैं कि नहीं है पूरी। तो इसके लिए मैंने पूरे वार्डों की व्यवस्था के लिए एक छापामारी की थी। तो इसमें हम लोगों ने ये पाया कि जैसे कुछ वार्डों में फाइलें थी इनकम्प्लीट पाई गई और तीन वार्डों में हमें 6 इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक्सपायरी के मिले। वैसे बाकी सारे, लेकिन ये इंजेक्शन अलग रखे हुए थे। लेकिन हमने सिस्टर से पूछा, आपने भले ही जो शॉर्ट एक्सपायरी के थे, 1.5 महीने पहले एक्सपायर हुए थे, तो मैंने बोला आपने ये 6 इंजेक्शन क्यों रखे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं इनका क्या करना है। तो मैंने कहा आपको कम से कम इस बारे में सूचित करना चाहिए था।
चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री बढ़कर 34.1 डिग्री पहुंच गया, जो कि इस मौसम का दिल्ली का सबसे गर्म दिन रहा है और राजधानी का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया हुआ। बता दें आपको कि मौसम विभाग की माने तो गर्मी से अगले 2 दिनों में हल्की राहत मिल सकती है और मौसम विभाग ने 13 और 14 मार्च को दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया है और सोमवार को 13 मार्च को ही दिल्ली के आसमान में ही बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है और दिन में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। और मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से टकराने वाला है और इसके चलते पश्चिमी हिमालय में 13-14 मार्च के दौरान आंधी तूफान आने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 13 और 14 मार्च, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 13 मार्च को बारिश और आंधी तूफान का असर देखने को मिल सकता है। तो लगातार आपको बता दें कि मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश भी होने की आशंका जताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिन में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है और मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से टकराने भी वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम हिमालय में 13 और 14 मार्च के दौरान आंधी तूफान का भी यहाँ पर आशंका जो है वो जताया गया है। और इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र में 13 और 14 मार्च और पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 13 मार्च को बारिश और आंधी तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। झांसी में पत्रकारों का संगठन झांसी मीडिया क्लब लगातार पत्रकारों के हितों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और साल 2015 से लगातार बुलंदखंड के ऐतिहासिक पत्रकारों का होली मिलन समारोह झांसी मीडिया क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। यहां होली मिलन समारोह इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें राधा फाउंडेशन ग्रुप द्वारा ही रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई और वहीं वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने उद्बोधन में ही पत्रकार हितों पर चर्चा करते हुए यहां पर बातचीत की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मीडिया क्लब का नोवा होली जो मिलन समारोह था वो आयोजन किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।